एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग हेल्दी और सेहतमंद होंगे। वेलकम टू ज्योतिका जर्नी। ज्योतिका जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी पूरा रास्ता खाली खाली है और ये सूर्य देवता निकल चुके हैं। आज रात को थोड़ी थोड़ी फ्लरी पड़ी थी, आज देखिए ऐसे। विंड भी अभी बंद हो गई है, तो चलिए फिर आज हम ये साइकिल चला रहे हैं। बोट चलाई थी, आज ऐसी है। आज हमने 152 कैलोरी बर्न की है 33 मिनट में। टारगेट है एवरी डे 200 कैलोरी बर्न करने का। देखते हैं क्या होता है आगे आगे। ये हम नहा धो के रेडी हो गए और अब जाते हैं काम पे। तो चलिए मेरे साथ बने रहे। इतना सुंदर सनी डे है और लोगों की और जबर चालू है। काफी सारा ट्रैफिक है। और कल जो पानी बढ़ चुका था सारा खाली हो गया है। जला जला है ऐसा, लेकिन विंड बहुत है। ये मेरे मॉन्स्टेरा का प्लांट का पत्ता तो जैसे कांच में से बाहर आने का सोच रहा है, इतना बड़ा हो गया है। और चलिए आपको अंदर ले चलती हूँ। ये छोटा सा प्लांट का एक पत्ता निकल आ रहा है और मेरा प्लांट खिला खिला। ओम भूर्भुवस्सः आज का दिन का काम एक कपड़े फोल्ड करना है और फिर ये चादर हम बिछाएंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कपड़े फोल्ड करते हैं और फिर नई चादर भी लगा देते हैं। एक क्वीन बेड सेट है और ये ऐसी एकदम मुलायम और स्मूथ कपड़ा है इसका। इसके साथ दो पिलो कवर भी है। दो है चादर, दो चादर है इसमें। और
कुछ है, प्रोटेक्टर भी है। तो चलिए मैं इसको दिखाती हूँ, पूरा बेड पे बिछा के, बिछाने के बाद बहुत सारा वर्क है लेकिन एकदम मुलायम और स्मूथ कपड़ा है इसका। सारे कपड़े फोल्ड हो चुके, पूरा रूम कपड़ों से भरा हुआ था मेरा। और देखिए कितने सारे कपड़े हैं, ये 2 वीक के ही है। और हाईएस्ट कपड़े मेरी डॉटर के हैं, सेकंड हाईएस्ट मेरे सन के हैं, और उसके देखिए मोजे ही देखिए कितने सारे मोजे, एक वीक में पहन पहन के फेंक देते हैं। तो चलिए आज तो कपड़े तो फोल्ड हो चुके, अभी चद्दर को बिछाने का काम बाकी है। तो अपने अपने रूम में सारे कपड़े लगा लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो एक क्वीन साइज बेड सेट में ये बेड सेट है, और ये 2 पिलो कवर आए हुए हैं, और ये ऐसा नीचे से रबर का प्रोटेक्टर, पहले उसको लगाते हैं फिर चद्दर लगाते हैं। तो चलिए पहले इन सबको निकाल लेते हैं। ये है ऐसा प्रोटेक्टर, इसके ऊपर से चद्दर कैसे निकाल दी है। तो ये ऐसा होता है, इसके नीचे भी ये वाइट कलर का प्रोटेक्टर रखा हुआ है, और फिर ये गद्दी है, उसके ऊपर भी एक कवर लगा के रखा हुआ है जिससे अंदर तक बाल नहीं चले जाए। तो सब निकाल देते हैं और फिर नया लगा के आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है। ये जो बेड पे प्रोटेक्टर है उसमें छोटे छोटे कहीं कहीं बाल ऐसे दिखते हैं ना, ज़्यादा तो नहीं है, वैसे तो क्लीन ही है। ये हम आइकिया से लाए थे, तो उसको उसके नीचे भी एक चादर है, लेकिन जब ऐसे छोटे छोटे बाल होते ये वाले कहाँ गए। ये जो मैट्रेस है ना, इसको बहुत केयर करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बाल उसके अंदर चले ना जाए, इसके लिए मैंने ये रोलर का यूज़ करती हूँ। वैसा तो है नहीं, वैस एकदम क्लीन ही है, देखिए कई छोटे छोटे बाल ऐसे होते हैं, उससे मैट्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ रोलर, तो सारे बाल निकाल देगी। ये हम आइकिया में से लाए थे जो प्रोटेक्ट करता है मैट्रेस को। ये जो रोलर है इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो सारे छोटे छोटे बाल इस पर चिपक जाते हैं, और इसके नीचे भी मैंने दिखाए थे एक दो बाल, वो सारे ज़्यादा है नहीं, 2 वीक पहले ही किया था क्लीन। ऐसा करने से एकदम फ्रेश फीलिंग होता है। जब बाल होते हैं बेड पे तो अजीब सा लगता है। फिर उसका एक पीस ऊपर से ऐसे निकाल के फेंक देते हैं, उसमें कट होते हैं,
तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। यहाँ तक है इसका, तो इतने छोटे छोटे पीस आते हैं उसके रोलर के ऊपर। तो ऐसे उसको जब काफ़ी सारे बाल हो जाते हैं तो इसका जो गम होता है कम हो जाता है और सारा कचरा इस पर चिपक जाता है। तो ये हम गार्बेज कर देते हैं और ये एकदम साफ हो गया। मैट्रेस प्रोटेक्टर तो लग गया, अभी हम ये चादर बिछा देंगे अच्छे से। बेड बन गया है और अब हम थोड़ा वैक्यूम भी कर लेते हैं। बेड को ऊपर रख देते हैं। अभी मैं ये इवनिंग को ये 3 टेबलेट देती हूँ, विटामिन D3 है और ये इवनिंग फिश ऑयल है और ये है B12 की एक दवाई है। ये मैं देती हूँ विटामिन D3 और सब गमी। आज का संडे का दिन साफ सफाई और कपड़े फोल्ड करने में ही निकल गया। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब को ज़रूर से कर देना। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक आप सभी लोग सही सलामत रहे, सेफ रहे और हेल्दी रहे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।